नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय पंचवर्षीय योजनाएं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रतिवर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, किस देश से इस योजना का आइडिया विचार लिया गया ये भी जानेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना और अंतिम पंचवर्षीय योजना के बीच कितनी बार योजना अवकाश रहा, अलग अलग जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई उनका टारगेट, उनका लक्ष्य क्या रहा, कौन सी योजना सफल रही, कौन सी योजना असफल रही, यानी कि परीक्षा प्रयोगी अनेक बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बात के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं पंचवर्षीय योजना कहते किसे है। दोस्तों, भारत में विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के दृष्टिकोण से योजना आयोग के द्वारा 5 वर्षों की जो पूर्व योजना बनाई जाती थी उसे पंचवर्षीय योजना कहते थे, इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई जा रही हैं। तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी शुरुआत हुई थी 1951 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 12वीं और अंतिम परियोजना जो थी वो समाप्त हुई है वर्ष 2017 में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दोस्तों, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी जो कार्यावधि यानी कि अवधि थी वो 1951 से लेकर 1956 तक थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में ये होगा कि ये जो योजना थी वो हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये कई बार पूछा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये हैरो-डोमर मॉडल है। और अगर हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी ये प्रश्न पूछा गया, तो जवाब आपका होगा पहली पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य था देश के कृषि पर विकास। आपको पता होगा कि भारत नया नया आजाद हुआ था, आजाद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, तो उस समय हमारी जो कृषि व्यवस्था थी वो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। तो कोशिश की गई कि कृषि पर ही विकास को फोकस किया जाए, और ये योजना जो थी वो सफल मानी गई। और उस समय जो प्राप्त वृद्धि दर था वो था 3.6%। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा 1956 से लेकर 1961 तक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस योजना के बारे में ये है कि अगर आपसे पूछा गया कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो आपका जवाब होना चाहिए दूसरी। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास। क्योंकि जब कृषि का विकास पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया तो ये देखा गया कि अपेक्षित विकास नहीं आ पा रहा है, तो औद्योगिक विकास पर फोकस किया गया। और इस योजना के अंतर्गत हमें जो प्राप्त वृद्धि दर थी वो थी 4.1%। इसके बाद आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना, कार्यकाल इसका रहा 1961 से लेकर 1966 तक, पूरे 5 साल। और जो तीसरी योजना थी ये थी गाडगिल योजना, ये गाडगिल मॉडल पर आधारित थी, इसलिए इसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है। उद्देश्य था इसका अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन दोस्तों, चीन से उसी समय युद्ध हुआ और युद्ध के कारण यह योजना अपने लक्षित विकास दर को प्राप्त नहीं कर सकी, और इसलिए इस योजना को असफल माना जाता है। हालांकि इतनी भी असफल नहीं थी, लेकिन जो वृद्धि दर हमने लक्ष्य रखा था 5.6% का, हम केवल अचीव कर पाए थे 2.4%। तो इस तरीके से ये मानी जाती है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये असफल रही। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश का समय आता है, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले 3 साल तक योजना अवकाश रहा, और इन 3 सालों की जो योजना थी वो अलग अलग बनाई गई, यानी कि 1 वर्षीय योजना बनाई गई थी। और प्रत्येक योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। और ये जो 3 साल की मतलब 1 वर्षीय योजना थी वो थी 1966-67 के लिए, उसके बाद 1967-68 के लिए और 1968-69 के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद और चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले 3 साल तक योजना अवकाश रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, परीक्षाओं में ये बिंदु पूछा जाता है। उसके बाद शुरू होता है चौथी पंचवर्षीय योजना का समय 1969 से लेकर 1974 तक।
यानी कि कुल मिला के 5 साल तक ये योजना रही अस्तित्व में। इसका उद्देश्य दो निर्धारित किया गया, पहला उद्देश्य था कि स्थिरता के साथ विकास और दूसरी बात थी कि आत्मनिर्भरता, हम खाद्यान्न में और स्वपोषण में आत्मनिर्भर हो सके। और इस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और हरित क्रांति की शुरुआत भी हुई। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही किया गया था। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा, देखिए जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये 1969 से लेकर 1974 तक रही। 1971 में आम चुनाव भी हुए थे और इस आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। लेकिन जब प्रश्न ये पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ नारा जो कब दिया गया, तो इसका जवाब दिया जाता है पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्यों? क्योंकि गरीबी हटाओ नारा जो ये दिया गया था 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी के द्वारा, इसे जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना के मेन ऑब्जेक्टिव में शामिल कर लिया गया था। हालांकि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये असफल मानी जाएगी क्योंकि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी थी। टारगेट रखा गया था 5.7% का, लेकिन हम अचीव कर पाए थे 3.3% ओनली। और 1971 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे उस दौरान इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने जो पोस्टर लगवाया था उसकी एक झलक आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये जो पोस्टर है वो 1971 के जनरल इलेक्शन का है। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो चौथे पंचवर्षीय योजना थी ये 1969-74 यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1971 के जनरल इलेक्शन हुए थे जिसमें गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। लेकिन गरीबी हटाओ ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य बना दिया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसीलिए जब प्रश्न पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ जो है नारा कब दिया गया या किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया, तो इसे जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय ये जवाब दिया जाता है। हालांकि पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 1974 से लेकर 1979 यानी कि 5 वर्ष डिसाइड किया गया था, लेकिन यह परियोजना मोरारजी देसाई सरकार ने 1978 में समाप्त कर दी थी, यानी कि मात्र 4 साल में पांचवी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, न्याय को बढ़ावा और रोजगार को प्रोत्साहन देना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में स्वयं के विकास के साथ साथ कृषि उत्पादन पर भी जोर दिया गया था, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी इसमें जोर दिया गया था। ध्यान दीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यह योजना जो थी वो डीपी धर के द्वारा तैयार की गई थी, यानी कि इस योजना का ड्राफ्ट डीपी धर ने तैयार किया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया गया और उसके बाद 1978 और 79 के लिए 1 साल का एक प्लान बनाया गया था इसके द्वारा मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा, और इस प्लान को कहा गया था रोलिंग प्लान। और दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमने जो टारगेट सेट किया था लक्षित वृद्धि दर विकास दर वो था 4.4%, लेकिन हमने प्राप्त किया था 4.8%। तो इस प्रकार से ये योजना सफल मानी जाएगी। अब आती है छठी पंचवर्षीय योजना, इसका समय रहा 1980 से लेकर 1985 तक। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और इस योजना के समय ही भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसी समय फैमिली प्लानिंग की शुरुआत भी कर दी गई और नाबार्ड बैंक की स्थापना भी हुई थी 1982 में। टारगेट था 5.2% और हमने अचीव किया 5.7%। तो छठी पंचवर्षीय योजना को आप सफल पंचवर्षीय योजना मानेंगे। अब बात करेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। समय था इसका 1985 से लेकर 1990 यानी कि 1985 से लेकर 1990 तक। उद्देश्य था इसका आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त करना। और इस पंचवर्षीय योजना में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मशीनीकरण पर जोर दिया गया, खाद्यान्न क्षमता बढ़ाना और रोजगार उत्पन्न करना इसका मुख्य ध्येय था। विकास लक्ष्य रखा गया था 5% का, हासिल हुआ था 6% का। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना भी सफल मानी जाएगी। इसके बाद आती है आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो देश में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण आठवीं योजना से पहले 1990-91 और 1991-92 में 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। अब ध्यान दीजिएगा
कि तीसरी योजना के बाद 3 साल का योजना अवकाश, मतलब 3 वार्षिक योजनाएं आई और 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गई 1990-91 और 91-92 की। उसके बाद 1992 से लेकर 97 के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई, जिसका टारगेट रखा गया रोजगार, शिक्षा व सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता, यानी रोजगार को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में वृद्धि करना। और देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की जो बात होती है वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी और उस समय नरसिम्हा राव सरकार अस्तित्व में थी। और उस समय जो लक्षित विकास दर था वो सेट किया गया था 5.6%, लेकिन प्राप्त हुआ था 6.8%। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से कहा जाएगा कि लक्ष्य था जो हमने हासिल किया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1997 से, समाप्त हो गई थी 2002 में, पूरे 5 साल चली और इसका टारगेट था न्याय और समानता के साथ विकास। टारगेट था 7% का, हासिल हुआ 5.6%, यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना को आप एक असफल पंचवर्षीय योजना मानेंगे। समय आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना का, 2002 से लेकर 2007 तक। टारगेट रखा गया कि अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगना कर दिया जाएगा और 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक कम कर दिया जाएगा। टारगेट रखा गया विकास दर का 8%, प्राप्त हुआ 7.2%, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना भी आपकी फ्लॉप रही। उसके बाद आती है ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, समय था इसका 2007 से लेकर 2012 तक। और ध्यान दीजिएगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना, दोनों ही योजनाएं सी रंगराजन के द्वारा तैयार की गई थी और 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए थीम भी, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव था उसे थीम यानी कि मुख्य विषय का रूप दे दिया गया था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम थी तेज और अधिक समावेशी विकास। टारगेट रखा गया 8.1% विकास दर का, प्राप्त हुआ था 7.9%। तो थोड़ा सा हम पीछे रह गए, बहुत असफल नहीं हुए, लेकिन फिर भी हम अपने लक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। और दोस्तों इसके बाद 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय रहा और 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना सी रंगराजन के द्वारा तैयार की गई थी। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो थीम रखी गई थी 11वीं के लिए, थीम थी तेज और अधिक समावेशी विकास। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी थीम रखी गई तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, टारगेट रखा गया था 8% विकास दर हासिल करने का, प्राप्त हुआ था 6.8%। तो इस प्रकार से पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर योजना अवकाश से होते हुए हम 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कही जाती है, तक पहुंचे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर हमने चर्चा की। दोस्तों मोदी सरकार ने वर्ष 2017 से पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना बंद कर दिया और इस प्रकार से सोवियत रूस की तर्ज पर या सोवियत रूस की नकल पर बनाई जा रही पंचवर्षीय योजनाओं का अस्तित्व भारत में फिलहाल समाप्त हो गया है। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। आपको पता होगा कि ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनसे हमें सीख ये मिलती है कि अल्प साधन में भी विकास के लिए लक्ष्य निश्चित किए जा सकते हैं और उसे हासिल भी किया जा सकता है। हालांकि ये योजनाएं अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के विकास में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया है। हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है ये प्ले स्टोर पर मौजूद है, आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ लगातार मिलती रहती हैं। सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ने के लिए आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर गूगल पर सर्च करिए या फिर डायरेक्टली आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, हैव अ ग्रेट डे।